अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां जिले के सभी विकास खंडों से आए जनपद सदस्यों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर छतरपुर को सौंपा। हम आपको बता दें कि जनपद पंचायत सदस्य संघ के बैनर तले जिले भर से आए जनपद सदस्यों ने वित्तीय पावर एवं अन्य मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरीहार से जनपद सदस्य गंगा राम दीक्षित ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी प्रमुख मांगे यह है कि हम सभी सदस्यों को वित्तीय पावर दिए जाए, साथ ही जनपद सदस्यों का मानदेय बढ़ाया जाए और पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में जनपद सदस्य अनुमोदन कराया जाए, साथ ही क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के लिए वार्षिक बजट की राशि 15 लाख रुपए की जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया जाता तो जनपद पंचायत सदस्य संघ उग्र आंदोलन करेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनपद पंचायत के सदस्य मौजूद रहे। करती है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए आवेदन देना चाहते हैं कि पिति श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय 30 के पंचायती राज जनप्रतिनिधि पदाधिकारियों का किस तरह का आज आवेदन दिया है क्या हमारे माननीय जनपद सदस्य लोगों को जनपद पंचायत में जो 1994 में जो अधिकार दिए थे उन सभी अधिकारों को जनपद सदस्य उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी को वापस किया जाए। जनपद सदस्यों को प्रतिमाह वाहन का भत्ता दिया जाए, प्रतिमाह इनको मासिक मानदेय दिया जाए और जनपद के जो अधिकार हैं जैसे मान लीजिए एक इस्टीमेट बनता है, TS होता है और मूल्यांकन होता है, इन सब चीज़ों एक पंचायत की एजेंसी को इनमें सबसे पहले अनुमोदन होना चाहिए फिर बाद में कोई कार्य होना चाहिए। किसके नाम आज आवेदन दिया है? आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम आवेदन दिया है। पूरे जिले के जनपद सदस्य हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। मांगे पूरी नहीं होंगी। अगले महीने की 10 तारीख या 20 तारीख समथिंग जो भी तारीख हो गई फिर से ज्ञापन देंगे, नहीं हो गए तो उसके फिर आंदोलन करेंगे। मेरा नाम गंगा राम दीक्षित है, मैं जनपद पंचायत गौरहार से जनपद सदस्य हूँ। किस तरह का मांगे? आज हम लोग ने आवेदन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर साहब के द्वारा कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए, हम लोगों को वित्तीय पावर दिए जाए क्योंकि उन सरपंचों के लिए तो वो बहुत कुछ देते हैं लेकिन हमको सरपंचों के भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं कोई अगर हमको काम करवाना पड़ता है क्योंकि हम लोग भी जनता के प्रतिनिधित्व करके जनता से चुन के आते हैं। 3 पंचायतों की जनता हम लोगों को चुनती है, हमको डाक खाने का डब्बा ना बनाया जाए, हम लोगों को वित्तीय पावर दिए जाए ताकि हम लोग भी जनता का विकास कर सकें, जनता की जन कल्याण योजनाओं को और बेहतर ढंग से उनका क्रियान्वयन करा सकें। अभी हमें इस तरह की परेशानी आती है कि जैसे कोई काम हमको कराना होता है तो हमको सरपंच से ही कहना पड़ता है, हमारे पास कोई पावर नहीं रहता कि हमारे पास में कोई पावर हो कि कुछ, हम पावर के लेकर हम समाज का विकास करें, अपने जिन्होंने लोगों ने हमको वोट दिया हम उनके काम कर सकें, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आवेदन देना चाहेंगे कि वो हमारी मांगों पर विचार करें। अन्यथा की स्थिति पे हम समस्त जनपद सदस्य आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले से जनपद सदस्यों ने ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से पूरे जिले में हर मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में दिया गया है ताकि माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास ये ज्ञापन हम लोगों का पहुँचे।